हाँ जी दोस्तों, आज के इस लेसन में आपको एक ऐसा गुरु मंत्र बताने जा रहा हूँ जो कि आपको प्रोफेशनल हारमोनियम सीखने में और बजाने में हेल्प करेगा। कुछ ज़्यादा एडवांस लेवल की एक्सरसाइज नहीं है, वही एक्सरसाइज आपको थोड़ा एडवांस लेवल में करनी है जो आप पहले से कर रहे हैं। मेरा दावा है आप सबसे, अगर आप इसको लगातार 1 महीने से आप इसे प्रैक्टिस करते तो गारंटेड आप 1 महीने में बहुत अच्छा और प्रोफेशनल हारमोनियम बजाना सीख जाएंगे। लेकिन पहले जानते हैं आपको करना क्या है, आपको किस तरीके से ऐसा क्या टेक्निक है जो आपको फॉलो करना है जिससे आपकी जो हारमोनियम बजाने का स्टाइल वो इम्प्रूव हो जाए। देखिए, हारमोनियम में सबसे जो आसान तरीका है अपनी जो स्पीड गेन करने के लिए, अपने हाथों को जो फास्ट करने के लिए, हारमोनियम को थोड़ा प्रोफेशनल बजाने के लिए, वो है आपके अलंकार। जब तक आप एक अलंकार को पूरे हारमोनियम, यानी कि पूरे हारमोनियम बोले तो मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक, तार सप्तक, तीनों सप्तकों में एक फ्लो में नहीं बजाएंगे तब तक आपकी हाथों में वो लचक नहीं आएगी, वो फ्लुएंटली नहीं आएगी, वो आपकी क्या बोलते हैं, सफाई नहीं आएगी। जैसे मान के चलिए आपने एक अलंकार शुरू किया, हम जनरली क्या करते हैं, हम उसको मध्य सप्तक में ही बजाते हैं, बस बात खत्म हो गई। तो हमारा जो हाथ का दायरा वो वहीं पर ही रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो एक्यूरेसी है, जो हाथ का इम्प्रूवमेंट और अच्छा हो, तो क्या करें, आप यहाँ से शुरू करिए, भले ही स्लो स्पीड में करिए शुरू, कोई भी एक एक्सरसाइज, चाहे पहला एक्सरसाइज ले लीजिए, पहला अलंकार ले लीजिए, उसको आपको तीनों सप्तक में बजाना है। जैसे मैंने शुरू किया यहाँ से, इस तरीके से आप पूरे में बजाइए और धीरे धीरे उसको फास्ट करते जाइए। जितना फास्ट करते जाएंगे आपका हाथ उतना अच्छा होता जाएगा, आपका हाथ उतना, फिंगर्स उतने इंप्रूव होते जाएंगे। मगा प म द प रे रे ग म द नि स नि नि द प रे ग रे ने द नि रे ग म द नि स ए रे अ ले ने रे ग म प रे ग म द नि स म म द नि स नि नि द प रे ग रे स ने रे ग म द नि स नि मदनी सनी मदनी सये जी। देन उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, कोशिश करिए आपकी जितने भी अलंकार, चाहे तीन स्वरों वाला अलंकार, जैसे अपना तीन स्वरों वाला अलंकार है सारे गा रे गा मा, देखिए ऐसा कोई एक्सरसाइज ना हो जो आप खाली इसको मध्य में तैयार करें, मध्य में, मंदर में, सभी में तैयार करिए, पूरे हारमोनियम में तैयार करिए, स्लो स्पीड में बजाइए चलेगा, धीरे धीरे उसको फास्ट करते जाए। इसी तरीके से चौथा एक्सरसाइज, चार चार स्वरों वाला, इस तरीके से पूरा कोई भी अलंकार पकड़ लीजिए, उसको आपको इसी तरीके से बजाना है। तो यही एक ऐसा सॉरी गुरु मंत्र है जिससे आपके हाथों में एक सुंदरता आ जाएगी, आपके बजाने के स्टाइल में आपका हाथ फ्री हो जाएगा। फिर कोशिश करिए, पहले तो सिंपल सिंपल आप सीधे सीधे अलंकार बजाइए जो बिल्कुल एक फ्लो में, जैसे सारे गा रे गा मा, एक फ्लो में बजाइए। फिर उसके बाद चलिए शफल वालों की तरफ, शफल वाले जाने की एक एक छोड़ के, जितना करेंगे फिर दो वाले स्वर पकड़िए, फिर तीन वाले पकड़िए, फिर चार वाले पकड़िए। जितने ज़्यादा अलंकार आप पूरे तीनों सप्तक में बजाएंगे, जितना तेज़ बजाएंगे उतना अच्छा आपका हारमोनियम इम्प्रूव हो जाएगा। ये सारा खेल 1 महीने का, अगर आप 1 महीना जम कर इस तरीके के अलंकार तैयार कर लेते हैं पूरे तीनों सप्तक में, मध्य मंदर मध्य और तार तीनों में, तो आप बहुत अच्छा, मेरा गारंटेड, मेरा दावा है आप सबसे कि आप 1 महीने में बहुत अच्छा हारमोनियम बजाने लग जाएंगे, आपका हाथ बहुत अच्छा हो जाएगा, आप जब भी बजाएंगे तो प्रोफेशनली बजाएंगे। तो ये छोटी सी कोशिश थी, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।